मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पाकिस्तान ने वायदा किया कि हम कभी भविष्य में आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। 1947 में किया, फिर 1965 में किया, फिर 1971 में किया, और 1971 में जब कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी दोनों देश आपस में बातचीत करके कोई भी मामले का फैसला करेंगे, फिर पाकिस्तान ने अपने ही कहे हुए को फिर तोड़ा। कब? 1987 में, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो अचानक से बेनजीर भुट्टो ने एक दिन पाकिस्तानी सैनिकों को आदेश दिया हमला करने का। राजीव गांधी को पहले पता चल गया कि हमला होने की संभावना है, क्योंकि गतिविधि बढ़ गई थी, तो उन्होंने भारतीय सेनाओं को भी आदेश दिया और भारतीय सैनिक 30,000 की संख्या में जम्मू कश्मीर इलाके में इकट्ठे हो गए। तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि हमारी योजना फेल हो गई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारतीय सेनाओं को पता न चले और हमला करे, वैसी उनकी कोशिश थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। राजीव गांधी ने जब पूरी संख्या में वहां सैनिकों को एकत्रित करा दिया और तैनात करा दिया, तो पाकिस्तान ने हमला करते करते अपने आप को रोका। और फिर क्या हुआ? फिर राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो में समझौता। फिर 1987 में पाकिस्तान ने कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे। फिर वो 1997 का, वो 87 का किया हुआ प्रस्ताव पाकिस्तान ने अभी तोड़ा। और अभी क्या था कि हमला करने के पहले पाकिस्तान ने समझौता किया था लाहौर, और ऐसे ही 87 में हुआ था हमला करने के पहले समझौता, हमला होने के पहले समझौता। उसके पहले के समझौते जो थे वो हमले के बाद के थे। पिछले 15-20 साल में जो दो समझौते हुए वो हमले के पूर्व हुए। तो दोनों समझौते हुए और उसमें कहा कि हम तो कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमला किया। लाहौर समझौते में तय करने के बाद भी हमला किया, और 87 में राजीव गांधी के साथ हमला करते करते रुक गया। ये है पाकिस्तान का चरित्र। अभी इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में मैं समेटना चाहूं और आपके दिमाग में वो दर्ज रहे हमेशा, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए इतनी लंबी कहानी सुनाई, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान क्या है? कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। अगर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को 20 साल भी पत्थर के नीचे आप दबा के रखिए तो भी वो सीधी नहीं होती। उसको चाहे जितना खींच खींच के सीधा करने की कोशिश करिए, वो हमेशा टेढ़ी ही होती। कभी भी आप उसको चाहे जितना तेल लगाकर सीधा करिए, चाहे किसी एपरेटस से सीधा करिए, चाहे जिस टेक्नोलॉजी से इंजेक्शन लगा के सीधा करिए, कभी सीधी नहीं होती। वही है पाकिस्तान। हाँ, अब ये आप सोचिए कि उसका क्या किया जाए, कि जो सीधा ही नहीं होता तो फिर उसके साथ कुछ और दूसरा तय करना पड़े तो उसके बारे में सोचना चाहिए हम सबको गंभीर। ये पूरी जो बात मैंने आपसे कही, इसमें से दो चीजें आप सब ध्यान समझें। हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान ये जो सब करता है वो कैसे करता? अभी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े संपादक हिंदुस्तान आए थे, उनका नाम था नजम सेठी। उनका दिल्ली में एक बड़ा भाषण हुआ। उनके भाषण में उन्होंने जो कहा उसमें से एक दो बात बहुत मजेदार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनके भाषण का पूरा टेप मेरे पास है। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, एक अखबार का सीनियर रिपोर्टर है, वो उनके भाषण का कवरेज करने के लिए गया था अखबार के रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में, तो वो टेप रिकॉर्डर लेके गया, पूरा भाषण टेप करके लाया। उसने कहा तुम्हारे काम की चीज है, इसको जरूर सुनो। तो मैंने उसको सुना, कई बार सुना। तो नजम सेठी ने अपने भाषण में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जो हमको समझने की है। उसने कहा कि पाकिस्तान पिछले 50 साल के आजादी के बाद भी, हालांकि उन्होंने आजादी शब्द इस्तेमाल किया, अगर वो कहते कि भारत से अलग होने के बाद भी अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो बना नहीं पाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने, 50 साल के बाद भी किसी भी स्तर पर, न सैन्य स्तर पर, न आर्थिक स्तर पर, न सामरिक स्तर पर, न कूटनीतिक स्तर, कहीं पर भी पाकिस्तान अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी बड़े देश की उंगली पकड़कर ही चलना पड़ता है, वो चाहे अमेरिका की पकड़े या G7 की पकड़े, पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं।
एक दूसरी बात उन्होंने कही नजम सेठी ने कि हम पाकिस्तानी लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होने वाला, हमको यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम पाकिस्तानी लोगों की अपनी जो आबरू, इज्जत, महजब, ये जो सब महजबी बातें ये जो सब हम करते रहते हैं, ये सब हमारे लिए एक ढकोसला जैसी बन गई, ना तो हमारी कोई पाकिस्तानियत रह गई है, ना कोई हमारे धर्म की ऐसी विशेषता रह गई है, उसमें आडंबर और ये सब बहुत हो गया, ऐसी बात उन्होंने कही। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही अपने भाषण में, मैं सिर्फ इन्फ्रेंस आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल करीब करीब कॉलेप्स हो चुकी है, खलास हो चुकी है। कैसे? वो उन्होंने बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान की सरकार का जो बजट होता है उसका 95% विदेशी कर्जे से आता है। माने पाकिस्तान की सरकार अपने बजट में अगर 100 रुपए खर्च करे तो 95 रुपए वो कहीं से भीख मांग के लाती है। 5 रुपए सरकार का अपना खीसे का होता, माने उनकी अपनी कमाई का होता, तो बजट का 95% उनका विदेश से आता है, ना आए तो बजट नहीं बनता। ऐसी हालत हो गई अर्थव्यवस्था कितनी बुरी हालत में है पाकिस्तान की। उसका उन्होंने एक दूसरा सबूत दिया कि इस समय पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें 70% बंद पड़े हुए। एक और बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, तो कॉटन का कपड़ा बनाने वाली जो मिलें हैं वहां पर, बड़ी मिलें हैं या लूम्स हैं, वहां के जो पावर लूम्स हैं, उनमें 65-70% बंद पड़े, वो एक्सपोर्ट भी उनका गिरता जा रहा। आंतरिक हालत लगातार खराब होती जा रही है, ना कोई लॉ है ना कोई ऑर्डर है, कहीं भी हत्याएं होती हैं, कहीं भी मर्डर होता है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाव किस तरह से होते हैं वो भी उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसमें से 2 बातें हमारे काम की हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। एक बात तो हमारे काम की ये है कि अगर पाकिस्तान के आर्थिक बजट में 95% विदेशी कर्जे से आता है तो फिर पाकिस्तान ये बार बार हमला करने की हिम्मत कैसे करता है, ये हमको समझना चाहिए कि आखिरकार कोई तो है जो पाकिस्तान को ये हमला करने के लिए पैसा देता है, हथियार देता है, सुविधाएं जुटाता है, सब काम करता है। क्योंकि जिस सरकार का 95% हिस्सा विदेशी कर्जे पर चलता हो, वो सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करके युद्ध झेल लेगी, बड़ी मुश्किल बात है। हमारी सरकार को 1500 करोड़ लग गया इस युद्ध में, जबकि हमने हमला नहीं किया, हम डिफेंसिव थे, हम सिर्फ अपनी सीमा के अंदर आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के काम में थे, तब हमें 1500 करोड़ लगा, तो पाकिस्तान को कम से कम 3500-4000 करोड़ लग गया होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंसिव थे और उन्होंने तो चौकियां बनाई थी, बंकर बनाए थे, पता नहीं क्या क्या तामझाम किया था, उसमें खर्चा तो लगता ही है। तो हमेशा 3000-4000 करोड़ रुपए का खर्च और ऐसा बार बार होने वाला खर्च, जिस देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी हो, गरीबी, बेकारी, भूखमरी की इतनी बुरी हालत है। नजम सेठी ने ही कहा कि हर साल 1000 लोग भूख से मर जाते हैं, उसका कुछ गिनती नहीं होती पाकिस्तान। कब कराची में दंगा हो जाएगा, कब इस्लामाबाद में दंगा हो जाएगा, कुछ उसका भरोसा नहीं। तो ऐसी हालत में अगर कोई राष्ट्र पड़ा हुआ हो, वो भारत जैसे राष्ट्र पर बार बार हमला करे, भारत से तुलना में पाकिस्तान की कैसे करता हूं, पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ की, हमारी आबादी 100 करोड़ की। पाकिस्तान की आबादी का तो हमारे देश में 1 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और जितना उनका इलाका है, जितना उनका क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को निकाल दिया जाए, 26,000 वर्ग मील जो हमारा है, वो बाकी है ही नहीं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अपना जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है वो करीब करीब उत्तर प्रदेश के ही बराबर, इससे बड़ा नहीं। तो हमारे देश के 1 प्रदेश के मुकाबले का राष्ट्र हमसे कई गुना छोटा आबादी में, हमसे कई गुना छोटा बजट में, हमसे कई गुना छोटा जीडीपी में, हमारा जो जीडीपी है और पाकिस्तान का जीडीपी है, जमीन आसमान का फर्क, कहीं टिकता ही नहीं है वो। तो ऐसा छोटा राष्ट्र, इतना कमजोर राष्ट्र आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और सामरिक रूप से कितना कमजोर है पाकिस्तान। एक बार मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में रह चुके हैं, दिल्ली में एक बार मैं उनसे चर्चा करता था, मैंने उनको पूछा कि मान लो कल्पना करो कि हम सब हिंदुस्तानी आर्मी को एक मिशन पे लगाएं कि पाकिस्तान पे कब्जा करो, तो कितने दिन लगेंगे।
तो उन्होंने कहा राजीव भाई अगर पूरे आर्मी को हम इस तरह से कहें कि हमारी जो पाकिस्तान से सीमा रेखा है पूरी सीमा रेखा पर एक साथ अगर युद्ध शुरू करें हम तो पाकिस्तान की सेनाओं में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो 4-5 दिन टिक सके। आप ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं, अगर पूरी सीमा रेखा पर एक साथ युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ तो 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे उनको सरेंडर करने, ये उनकी ताकत है। युद्ध कैसे होता है, पाकिस्तान चतुराई के साथ पूरी सीमा रेखा पर कभी युद्ध नहीं करता, आप ध्यान लीजिए, एक छोटे से सेक्टर में युद्ध करेगा। अभी जैसे कारगिल है, बटालिक है, द्रास सेक्टर है, ये कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, उसमें युद्ध करेगा, या कहीं और राजस्थान के इलाके में करेगा या कहीं और करेगा, एक साथ पूरी सीमा रेखा पर युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी इतनी तैयारी भी नहीं। तो वो कह रहे थे कि एक साथ अगर पूरी सीमा रेखा पर युद्ध हो जाए तो 4-5 दिन में उनको सरेंडर करना पड़ सकता है, तो इतनी उनकी सामरिक शक्ति है। तो आखिरकार फिर पाकिस्तान को क्यों ऐसी बदहवासी है कि वो बार बार हमला करता है, बार बार हमला करता है, और कोई तो है जो उसको हमला करने में बार बार मदद करता है, पैसे के रूप में, हथियार के रूप में, बाकी रूप में। जो देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद करता है हथियार के रूप में, पैसे के रूप में, उसका नाम है अमरीका। और ये अमरीका नाम का ही देश है जो पाकिस्तान को हमेशा उकसाता रहता है भारत के खिलाफ हमला करने के। क्यों? अब मैं जो पहले बात कह रहा था कि अमरीका कभी नहीं चाहता कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका भारत में वापस जाए। अमेरिका की प्लानिंग क्या है कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अमेरिका ये चाहता है कि अमरीकी सैनिक अड्डे वहां पर बन जाए। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अमरीका के सैनिक अड्डे हैं, अफगानिस्तान में है, फिलीपींस में है, कोरिया में है, जापान में है, लैटिन अमेरिका के कई देशों में है, अफ्रीका के कई देशों में, तो कई देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं और कई जगह अमेरिका के सैनिक मिसाइल लगाकर बैठे हुए। अमेरिका वही चाहता है कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है यहां पर भी अमेरिका के सैनिक अड्डे बन जाएं। और अमेरिका की एक दूसरी कोशिश भी है कि ये जम्मू कश्मीर नाम का इलाका भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान के पास भी ना जाए, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बने ताकि अमरीका उसको अपने प्रभाव में लेकर अपने सैनिक अड्डे वहां पर स्थापित कर ले। अमरीका को क्या स्वार्थ है यहां सैनिक अड्डे बनाने के लिए? यहां अगर सैनिक अड्डे अमरीका के बन जाएं तो अमरीका को अपने दो दुश्मन से लड़ाई करने में बहुत सुविधा हो सकती है, एक रूस, दूसरा चीन। तो रूस और चीन नाम के दो देश हैं जो आज से नहीं 50 साल से अमरीका के साथ दुश्मनी में हैं। रूस की ताकत अभी कुछ कम हुई है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन चीन की ताकत तो लगातार बढ़ रही है पिछले कई वर्षों। तो चीन से अमेरिका को बहुत खतरा, तो चीन को वो साध सकता है अमेरिका। और अमेरिका की एक मजबूरी है कि अगर कभी चीन के साथ आमने सामने उनकी टक्कर हो गई, जैसे कि संभावना है ताइवान के सवाल पर, कभी भी अमेरिका और चीन में युद्ध हो सकता। ताइवान का प्रश्न अब इतना बड़ा प्रश्न बन गया है, अमेरिका चाहता है कि ताइवान विदेशी प्रभाव में रहे, यूरोप के प्रभाव में रहे, अमेरिका के प्रभाव में रहे, और चीन चाहता है कि ये ताइवान हमारे कब्जे में आए, तो उस मुद्दे पर हमला हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अगले महीने भर में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो आप इसको आश्चर्य मत कहिएगा, कभी भी हो सकता है। तो ये ताइवान के प्रश्न पर अमेरिका क्या चाहता है कि अगर हमला हुआ चीन के साथ और कभी आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी तो अमरीकी सैनिक जो है वायुसेना के और अमेरिका के जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं उनमें ईंधन भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक जगह उतरकर, सीधे अमेरिका से आकर चीन पर हमला करने के पहले कहीं ना कहीं उन हवाई जहाजों को ईंधन लेने के लिए उतरना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि ये जो हवाई जहाज होते हैं लड़ाकू, इनमें ईंधन बहुत जलता है और इनका टैंक इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें हमेशा के लिए ईंधन भरा जाए। कुछ जहाज तो ऐसे होते हैं कि 4-5 घंटे में उनको ऑपरेशन करके उतरना ही पड़ता है, उनका ईंधन खत्म हो चुका होता मात्र 4-5 घंटे में। तो बड़े पैमाने पर ईंधन जलता है इन हवाई जहाजों में, लड़ाकू जहाजों में। तो अमरीका को ऐसी कोई सेफ जगह चाहिए जहां उनके हवाई जहाज उतर सके, ईंधन भर सके और फिर बदले में चीन के ऊपर हमला कर सके। ये अमरीका का निहित स्वार्थ है। इसलिए 50 साल से अमेरिका ये पाक अधिकृत कश्मीर के प्रश्न को हल नहीं होने देता, यूनाइटेड नेशंस में लटका के रखा उसने।
हालांकि अमरीका इसी तरह के प्रश्नों को अगर कहीं दूसरे देश में देखे तो तुरंत हल कराता है उनको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बार सऊदी अरब का इलाका कुछ कुवैत ने ले लिया और एक बार कुवैत का कुछ इलाका इराक ने ले लिया सद्दाम हुसैन। और आपको याद है कि जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत का कुछ इलाका कब्जे में किया, तुरंत अमरीका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया। क्या बोलकर? कि कुवैत का इलाका कुवैत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वहां की राष्ट्रीय सार्वभौमत्व के खिलाफ है कि इराक वहां पर कब्जा करे। तुरंत इराक पर हमला करके कुवैत का वो इलाका छुड़ाया। तो हमारा इलाका भी पाकिस्तान के कब्जे में है, अमरीका कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करता। इसके लिए आप देखिए, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि इराक वाले मुसलमान है तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान, तो अमरीका पाकिस्तान पे हमला नहीं करता ठीक उसी काम के लिए जिस काम के लिए वो इराक पर हमला करता। कि कुवैत का कुछ इलाका अगर इराक के कब्जे में चला गया तो अमरीका को खतरा महसूस होने लगा, तो इराक पर बमबारी करके वो इलाका वापस छुड़ा दिया। लेकिन हमारा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, कभी पाकिस्तान पे बमबारी करके नहीं छुड़वाता, क्योंकि ये इलाका अमरीका के लिए होना बहुत जरूरी है। चीन के साथ अगर उनको युद्ध लड़ना पड़े, रूस के साथ अगर उनको युद्ध लड़ना पड़े, तो इसलिए अमरीका का निहित स्वार्थ है कि ये जम्मू कश्मीर की समस्या इसी तरह से लटकी रहे, ये कभी परमानेंट सॉल्यूशन में ना जाए। और आप देख लीजिए कि जब जब इस समस्या के समाधान का कोई ऐसा प्रयास हुआ जिसमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान या तो पूरी तरह से खलास होगा या तो ये इलाका हमारे पास वापस आएगा, तब तब अमरीका ने बीच में आकर युद्ध विराम कराया या संधि कराई। अभी ताजा ही देख लीजिए, ताजी स्थिति तो आपके ध्यान में होगी ना, कि जब भारतीय सैनिक घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ियों पर थे तो बराबर लड़ाई चल रही थी और हमारे सैनिक ज्यादा संख्या में मर रहे थे, हताहत हो रहे थे। जैसे ही भारतीय सैनिक पहाड़ी पर पहुंचे और पाकिस्तानी सैनिक नीचे घाटी में आए, तुरंत अमरीका ने सामने से बुलाकर पाकिस्तान को कहा कि सैनिकों को वापस कर लो। ये सैनिकों को अगर वापस करना होता तो उस दिन भी कर लेता अमरीका जब हमारे सैनिक नीचे घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक ऊपर पहाड़ी पर थे। तो अमरीका नवाज शरीफ को उसी दिन बुलाता और कहता कि तुरंत अपने सैनिक वापस करो। नहीं कहा उसने। 26 मई से लेकर और जुलाई के पहले सप्ताह तक चूंकि भारतीय सैनिक नीचे घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक ऊपर पहाड़ी में थे, तब तक अमरीका युद्ध को चलवाता रहा। और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक डिफेंसिव पोजीशन में आए और हमारे सैनिक ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे, कब्जा किया, टाइगर हिल पर कब्जा किया, तोलोलिंग पर कब्जा किया और कई चोटियों पर वहां कब्जा किया, और हमारे सैनिकों की सीधी मार में पाकिस्तानी सैनिक आए, एक दिन तो सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक एक ही दिन में मारे गए, तुरंत अमरीका को लगा कि अब नुकसान ज्यादा होगा पाकिस्तान का, तो युद्ध विराम करा दिया। तो हमेशा जब पाकिस्तान पिटने की स्थिति में होता है या मार खाने की स्थिति में होता है, अमरीका बीच में कूदकर युद्ध विराम कराता है, संधि कराता है। अभी का जो युद्ध विराम हुआ वो इसी तरीके से हुआ। उसमें उसने क्या किया कि पाकिस्तान को और अपने शिकंजे में कस लिया कि देखो मेरे कहने पर युद्ध विराम हुआ, नहीं तो तुम्हारे 1500 सैनिक और मरते। अगर वो युद्ध विराम नहीं होता या 5 दिन का हमारी आर्मी ने जो समय दिया था पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौट जाने का, वो समय अगर नहीं दिया होता तो कम से कम 1500 पाकिस्तानी सैनिक और मरते, निश्चित रूप से मरते, क्योंकि उस समय तो हम अपर हैंड में थे, वो लोअर हैंड में थे। लेकिन अमरीका ने वो बचा लिया 1500 सैनिकों को। तो इस तरह से जब भी पाकिस्तान कहीं मुश्किल में फंसेगा, खतरे में फंसेगा, तुरंत अमरीका सामने आकर कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि वो अपना इलाका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, तो पाकिस्तान को बचाता रहता। और चूंकि अमरीका इस तरह से पाकिस्तान की पीठ फेरता रहता है, समय पड़ने पर पैसा भी देता है, हथियार भी देता है, सब करता है, तो फिर पाकिस्तान अमरीका के कहने पर ये सब करता, वरना पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर बार बार हमला कर सके। उनमें इतनी ताकत नहीं है, अपने दम पर वो कुछ नहीं कर सकते। और अभी जो हमला हुआ हमारे देश के ऊपर, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने जो भी हथियार इस्तेमाल किए उनमें से 5% हथियारों को छोड़कर 95% हथियार अमरीका के बने हुए थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ इस युद्ध। तो उनकी ऐसी ताकत नहीं है पाकिस्तानियों की कि वो स्वतंत्र रूप से हमला कर सकें या किसी लड़ाई को वो अपनी ताकत पर लड़ सकें। अमरीका मदद करता,
तो अमेरिका का अपना स्वार्थ क्या है पाकिस्तान के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ, वो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए। और एक दूसरी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि अगर ये बात हमको समझ में आती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका हमारा कौन है। माने हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन ही हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके